हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक 2015 का ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है कि 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका कहा जा रहा मान ज्ञात करने, 0 से पाई बाय 4 लिख दीजिए और ए ना साइन स्क्वायर एक्स दे, इसका कहा जा रहा वैल्यू क्या होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का ना इंटीग्रेट करने के लिए ना हम लोग को साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, वन माइनस में कॉस 2x बाई 2 और dx। एक कॉन्स्टेंट को ना बाहर कर दीजिए तो क्या बचेगा ना 0 से पाई बाई 4 और ये बच जाएगा वन माइनस में कॉस 2x dx। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, वन का इंटीग्रेशन x और कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा तो 0 से पाई बाई 4 तक। अब इसमें लिमिट को पुट कर लेंगे, हाफ हाफ को रहने दीजिए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4 और माइनस माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 और बाई में 2 और माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे क्या ना 0 0 और माइनस में साइन साइन 2 इंटू 0/2। अब इसको सॉल्व कर लेते क्या जाएगा ना हाफ हाफ पाई बाई 4 माइनस 2 2 यहाँ पे कट जाएगा तो पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 का मान 1 और बाई में क्या रह गया 2 और माइनस 0 साइन 2 इन 0 इंटू 2 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 बाई समथिंग क्या आ जाएगा ना 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए हाफ हाफ पाई बाई 4 और माइनस में 1/2, इसको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो पाई बाई क्या आ जाएगा 8 और माइनस में 1/4, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, 10 में क्या करना कि अवकल समीकरण ए दिया हुआ और इसका कहा जाना हल कीजिए। क्या दिया हुआ अवकल समीकरण, एक्स माइनस बाई डी बाई माइनस में एक्स प्लस बाई और डी एक्स इक्वल टू 0 ए दिया हुआ और इसका रहा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स माइनस बाई डी बाई को रखने दीजिए, इस टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस वाला टर्म आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स प्लस बाई और डी एक्स हो गया। अब x y वाला टर्म को एक तरफ कर दीजिए और x y वाला d y dx को d y और dx को एक तरफ, पहले x y वाले टर्म को एक तरफ, x plus y इसको नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा ना x minus y। अभी आ गया, इसको हम लोग देखे थे एक क्या ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म में है होमोजीनियस डिफरेंशियल, वो कैसे यहाँ पे x के पावर 1 y के भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1 1 सब पे पावर सेम हो तो क्या कहलाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम लोग समझ सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेट करते हैं बाई बाई एक्स इजकल टू क्या ना भी, तो ए हो जाएगा ना बाई इजकल टू एक्स भी। अब डिफरेंशिएट करते हैं, बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई वाई डी एक्स इजकल टू एक्स का डिफरेंशिएट 1 भी को कॉन्स्टेंट में प्लस एक्स को कॉन्स्टेंट में और भी का डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई वाई डी एक्स हो गया। अब ना क्वेश्चन चलाओ समीकरण फर्स्ट से, ये लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब डी बाई वाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू है भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू इक्वल टू, अब यहाँ पे ए आ गया एक्स प्लस प्लस बाई का वैल्यू रख दो, बाई का वैल्यू क्या एक्स भी और एक्स भी प्लस एक्स माइनस बाई का वैल्यू रख दो एक्स भी और एक्स भी, दे रह जाएगा भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन है एक्स कॉमन लो तो वन प्लस भी नीचे भी एक्स कॉमन तो वन माइनस भी एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ मिल जाएगा एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस भी वन माइनस प्लस बी को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा माइनस में भी। अभी आ जाएगा एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे वन माइनस भी तो क्या आ जाएगा वन प्लस भी और माइनस मल्टीप्लीकेशन कर दो माइनस भी और माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा क्या यहाँ पे भी है? इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे भी और माइनस भी स्क्वायर तो एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू तो वन माइनस बी आ जाएगा वन प्लस बी
माइनस बी और माइनस माइनस प्लस में बी स्क्वायर, तो ए भी और ए भी कैंसिल हो गया और क्या बच गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस में भी स्क्वायर बटा वन माइनस में भी। अब डी वी को एक तरफ कर लो और डी एक्स को एक तरफ, ठीक है ना। डी वी यहाँ पे रहने दे, एक्स डी वी इक्वल टू वन प्लस में भी स्क्वायर बटा में वन माइनस भी, तो डी एक्स को इधर कर दो, डी एक्स को इधर कर दे। अब भी वाला टर्म को डी वी तरफ कह लेंगे तो वन माइनस भी बटा वन प्लस भी स्क्वायर और डी वी वन बाई एक्स और डी एक्स, एक्स वाला टर्म को डी तरफ कह लिए, भी वाला टर्म को डी वी तरफ दे आएगा तो उल्टा हो जाएगा और ये आ गया। अब भी वाला टर्म अलग हो गया और एक्स वाले टर्म अलग हो गया, तो दोनों तरफ क्या लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब यहाँ पे क्या कर दो, वन बटा वन प्लस में भी स्क्वायर और माइनस माइनस भी बटा वन प्लस में भी स्क्वायर और डी भी, ये आ जाएगा वन बटा एक्स डी एक्स, तो ये ना। अब इंटीग्रेशन बांट दो तो वन बटा वन प्लस में भी स्क्वायर डी भी और माइनस में भी बटा वन प्लस भी स्क्वायर और डी भी इक्वल टू वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या ना, लॉग हो जाएगा लॉग मॉड एक्स और प्लस में सी लगा दीजिए और ए रहने दीजिए ना, और ए रहने दे वन बटा वन प्लस में भी स्क्वायर, वन बटा वन प्लस में भी स्क्वायर और डी भी और माइनस वन का जीरो भी स्क्वायर का डी सी टू भी, यहाँ पे ना टू मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और टू डिवाइड कर लीजिए, टू क्या कह लिए मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड कर लिए, ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे का डिस्मोर बैठ रहा था। और अब ना इंटीग्रेट कर दीजिए ना, इंटीग्रेट कर दीजिए तो वन बटा वन प्लस भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स भी और माइनस हाफ, नीचे का ऊपर डीसी बैठ गया तो लॉग मॉड क्या होता है ना, भी होता तो वन प्लस में भी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग मॉड एक्स अब प्लस में। अब ना भी का वैल्यू रख दीजिए तो ये ना टैन इनवर्स भी का वैल्यू क्या ना, बाई वटा एक्स, भी का वैल्यू रख दो बाई वटा एक्स और माइनस माइनस वन बाई टू लॉग मॉड, जब भी का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू एक्स स्क्वायर और प्लस में बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और इक्वल टू क्या ना, लॉग मॉड एक्स प्लस में सी, यही हो गया क्या आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 का ना अथवा, ये अथवा में दिया हुआ और इसका कहा जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन क्या है, डी बाई बाई डी एक्स प्लस में बाई बाई एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो क्या करो ना, बाई स्क्वायर से ना डिवाइड सब में करना पड़ेगा, तो बाई स्क्वायर से ना सब में डिवाइड कर लेंगे और प्लस में बाई बटा बाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा वन बटा एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करो, लेट करना पड़ेगा क्या, एक बाई और एक बाई कट जाएगा यहाँ पे, तो पहले लिख लें क्या बच जाएगा, वन बटा बाई स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स प्लस वन बटा बाई और एक्स इक्वल टू वन बटा एक्स स्क्वायर ए आ गया। अब इसको इंटीग्रेट मतलब सॉल्व करने के लिए लेट करना पड़ेगा वन बटा बाई को टी, तो वन बटा बाई का डिफरेंशिएट होता है माइनस वन बटा बाई स्क्वायर और डी बाई बाई डी टी इक्वल टू और सॉरी डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, हम डिफरेंशिएट कह लिए। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो वन बटा बाई का डिफरेंशिएट माइनस वन बटा बाई स्क्वायर, फिर बाई का डी वाई बाई डी एक्स, टी का डी टी बाई डी एक्स, माइनस को उधर भेज दो तो वन बटा बाई स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में डी टी बाई डी एक्स, ये आ गया। अब क्वेश्चन आ जाओ, वन बटा बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या रख सकते, माइनस में डी टी बाई डी एक्स और प्लस प्लस वन बटा बाई को क्या लेट कर चुके हैं टी, टी वन बटा एक्स रह जाएगा, वन बटा बाई का वैल्यू क्या रख सकते हैं टी इक्वल टू वन बटा में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ना इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर लेंगे
माइनस से ना मल्टीप्लीकेशन कर, तो माइनस माइनस क्या हो जाए ना, प्लस हो जाएगा डीटी बाई डीएक्स, तो यहाँ ना माइनस वन बटा एक्स डी आ जाएगा, और ये माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लीकेशन किए तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस। अब इसको ना इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब ये ना बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e के पावर में क्या फॉर्मूला होता है, पी डी एक्स। तो e, अब p, p किसका काम करेगा, तो माइनस में वन बाई एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब ना माइनस को रहने दो, वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग मॉड एक्स, ये हो गया। अब e पर पावर माइनस ना यहाँ आ जाएगा लॉग लॉग, x के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन, कौन फॉर्मूला से, एन लॉग एम से, एन लॉग एम, यहाँ कुछ नहीं तो वन, एन लॉग एम, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम पर पावर एन। e के पावर लॉग होता है, जब e के पावर लॉग आए तो e और लॉग कैंसिल हो जाता है, बच जाता है क्या, x के पावर माइनस वन। तो x के पावर माइनस वन को लिख सकते हैं क्या ना, वन बटा एक्स, ये आ गया, लिख सकते हैं। तो ये क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम लोग चल देते हैं समीकरण किससे ना, फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं, लिख दिए, फिर लिखते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या ना, वन बटा एक्स स्क्वायर। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या ना मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और ये मल्टीप्लीकेशन क्या लिए, ये बन गया ना टी बटा एक्स, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। डी एक्स इधर गुना कर देते हैं, डी एक्स गुना हो गया, और डी जो है ना इधर आकर क्या बदल जाता है, इंटीग्रेशन का सिंबल में, तो बच गया टी बटा एक्स बराबर माइनस वन बटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, वन बटा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर इंटू टू, और प्लस में सी, तो आ जाएगा टी बटा एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, तो वन बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस में सी। टी का वैल्यू हम लोग वापस रख सकते हैं, टी का वैल्यू क्या, वन बटा बाई, तो टी का वैल्यू रख दो, वन बटा बाई एक्स इक्वल टू वन बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस में सी, यही हो गया आंसर। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए या इसी प्रकार रहने दीजिए, ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अथवा अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर समझो 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ना कि सरल रेखा का समीकरण प्राप्त करें, जो दोनों सरल रेखा ये दिया हुआ था, लिख दीजिए ना रेखा L1 का समीकरण। तो रेखा L1 का समीकरण क्या ना, एक्स प्लस वन बाई माइनस थ्री बराबर में माइनस बाई माइनस बाई माइनस थ्री बाई टू बराबर में जेड, जेड प्लस में टू बाई वन, ये दिया हुआ। और रेखा एल टू का समीकरण, रेखा एल टू का समीकरण क्या गिवन है, एक्स बाई वन बराबर बाई माइनस सेवन बाई माइनस थ्री बराबर में जेड प्लस सेवन बाई टू, ये गिवन है। और ये कह रहा है दोनों सरल रेखा का समीकरण प्राप्त करें, जो दोनों सरल रेखाओं, ये दोनों सरल रेखाओं पर क्या ना लंब है। जैसे इसका ग्राफ देखो, एक रेखा L1 है, दूसरा रेखा क्या ना L2 है, ये L1 L2 दोनों क्या ना प्रतिच्छेद करा, और ये दोनों रेखा पर ना एक लंब रेखा है ना, और एक लंब रेखा, इस लंब रेखा का ना मतलब इस रेखा L का समीकरण याद कीजिए। यह जो रेखा L है, L1 और L2 दोनों पर क्या है, लंब है, और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता लो, ये रेखा एल लंबी है और उसके प्रतिच्छेदन मतलब रेखा L1 और L2 का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, इसको समझ लीजिए P है, और इसी बिंदु से पास भी कर रहा और लंब भी है वो समीकरण, तब इसका समीकरण याद कीजिए। यह समीकरण याद कीजिए, जब ये दोनों रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु P है, उसी से पास कर रहा और दोनों पर लंब भी है, तो इसका इक्वेशन फाइंड कीजिए, इक्वेशन आठ। तो क्या करें ना हम लोग, सबसे पहले ये रेखा L1 है, तो रेखा L1 ना लिख ले, इतना बराबर ना मान लीजिए क्या ना K, ए लेट कह ले, इतना बराबर मान लो ना लैम्डा, और ना लेट कह लीजिए।
तो सबसे पहले ये दोनों बिंदु को ना, ये दोनों रेखा को सॉल्व करके क्या ना प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं। तो ये ना रेखा L1 से, ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, रेखा L1 से x+1 -3 = क्या k, और y-3/2 = k, और z+2/1 = क्या ना k। तो यहाँ से आ जाएगा x+1 = -3 k, तो x = क्या -3 k और -1। यहाँ से y-3 = 2 k, तो y = हो जाएगा 2 k और +3। यहाँ जरा बताओ, z+2 = k, 1 × k, और z = k-2। ये ना आपका ना पॉइंट निकल गया। यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए, तो एक पॉइंट ना P मान लो ना, एक P x x क्या ना x दिया हुआ -3 k और -1 और 2 k+1 + 3 3 और k-2 और ये बिंदु P। अब इस यहाँ पे चलना पड़ेगा क्या ना, अब रेखा L2 से ना, रेखा L2 से क्या ना x x/1 = क्या ना लैम्डा, और यहाँ पे चल देंगे एंड, और बाई बाई -7 - 3 3 = λ, और यहाँ चल देंगे z+7/2 = क्या लैम्डा, और ए कर दें, यहाँ x = λ, y-7 = -3λ, तो y = क्या हो जाएगा -3λ + 7, और ये क्या हो जाएगा z+7 = 2λ, तो z = 2λ - 7, और ये आ गया। तो ये ना बिंदु Q मान लीजिए, ये क्या ना बिंदु Q, ये ना रेखा L2 पर बिंदु Q क्या ना -3λ + 7, और ये आ जाएगा 2λ - 7। ये बिंदु Q और बिंदु P फाइंड हो गया। अब हम लोग समझ लो, बिंदु P और बिंदु Q एक ही पॉइंट पे मिल रहा है ना, बिंदु P और P और Q एक ही बिंदु पर मिलता है, एक ही बिंदु पर मिलता है, दोनों एक ही बिंदु, मतलब रेखा L1 और रेखा L2, रेखा L1 का बिंदु P है, रेखा L2 का बिंदु क्या है Q, दोनों बिंदु एक ही पे मिल रहा है। तो क्या ना दोनों बिंदु एक ही पे मिल रहा है, यहाँ समीकरण बन जाएगा क्या ना, इसको समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण कहाँ लिख ले, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये लिख लेते हैं। तो क्या होना, समीकरण बन जाएगा -3k+1 -3k-1 बराबर क्या ना, ये एक्स के बराबर होगा, तो इस बिंदु का कोएफिशिएंट इस मतलब x1 और x1 के बराबर होगा, फिर इसका 2k, इसको ना समीकरण यहाँ पे कह लीजिए -3k - λ = 1, समीकरण फर्स्ट समझ लीजिए। फिर 2k+3 किसके इक्वल होगा, तो ये -3λ + 7 के, तो 2k और -3 इधर लाएंगे तो +3λ =, और इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा 4, समीकरण क्या हो जाएगा ना सेकेंड। अब इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करना, इसको अब रफ करना पड़ेगा, तो यहां से ना रफ कह लेते हैं। तो अब चल दो समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ हम लोग क्या लेते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या ना, यहाँ आ गया -3k अब -λ = 1, समीकरण फर्स्ट, और ये आ जाएगा 2k और +3λ = 4, समीकरण सेकेंड। अब लैम्डा के का मान फाइंड करने के लिए इसमें क्या ना समीकरण में और 3 मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए, और इसमें क्या ना 1, इसमें क्या ना 2 और इसमें 3 मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए। तो ये ना या यहाँ पे 3 इसमें और इसमें 1, तो 3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9k और -3λ,
और इक्वल टू थ्री, समीकरण फाइव इसमें वन, तो टू के अमाइन प्लस में थ्री लैम्डा इक्वल टू फोर, समीकरण क्या आ गया ना सेकेंड। और इसको ना सॉल्व कर लीजिए, तो इसको ना सॉल्व कर लेंगे तो ये तो पॉइंट इवन है ना, माइनस में थ्री के माइनस वन और टू के और प्लस में थ्री, और ये आ जाएगा के माइनस में टू, पॉइंट पी लिख दे, पॉइंट पी लिख दे, और इसको अब ये सॉल्व कर लो तो ये ना कट जाएगा, तो यह मिल जाएगा सेवन के इक्वल टू क्या ना, यहाँ भी सेवन, तो सेवन सेवन कट जाएगा, तो के का वैल्यू क्या आ गया वन। के का मान पॉइंट पी में रखने पर ना, तो के का मान बिंदु पी में रखने पर, तो पी में रख दो ना के का मान, तो पी में रख देंगे के का मान क्या ना, के का मान क्या है वन, तो वन रखेंगे तो यहाँ पे माइनस थ्री इंटू वन माइनस वन, टू इंटू वन प्लस में थ्री और वन माइनस टू। अरे अब बिंदु पी क्या आ जाएगा इसमें, बिंदु यहाँ पी लिख लेते, बिंदु पी आ जाएगा थ्री इंटू वन माइनस में थ्री और एक माइनस थ्री और माइनस वन, तो माइनस में टू और एक दो इंटू वन, दो और तीन क्या आ जाएगा ना पांच आ जाएगा, और ए माइनस में वन आ जाएगा। तेरा बिंदु पी फाइंड कर ले, क्या आ गया माइनस टू फाइव और माइनस वन आ गया, और ये हम लोग बिंदु क्या ना पी फाइंड कर लिए। अब बिंदु पी फाइंड करने के बाद अब इसको ना रफ करना पड़ेगा यहाँ से, तो ये ना रफ कर लेते हैं। अब देखो हम लोग, अब ना एक बिंदु पी फाइंड हो गया, तब इसका ना समीकरण फाइंड करने के लिए क्या करो ना, ये भी ना मिटा लेते हैं। अब बिंदु पी फाइंड करने के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा रेखा L1 का ना डायरेक्शन रेशियो, तो रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या -3 टू 1, फिर लिख दीजिए रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो, रेखा L2 का डायरेक्शन क्या 1 -3 और 2, फिर हम लोग को यहाँ मानना पड़ेगा, माना L का डायरेक्शन रेशियो, तो L का डायरेक्शन रेशियो मान लो L M और N है, रेखा L का ना डायरेक्शन रेशियो क्या L M N मान लिए, और ये दोनों रेखा रेखा L L1 और L2 पर क्या ना लंब है, तो लिख लेंगे रेखा L L1 और L2 पर क्या है ना लंब है, तो लंब है ना, तो हम लोग कंडीशन जानते हैं इसके डायरेक्शन रेशियो इंटू इसके डायरेक्शन रेशियो होगा, तो ना ए माइनस में 3L और प्लस में और 2M और प्लस में n इक्वल टू क्या ना 0 आएगा, समीकरण इसको क्या समझ लीजिए थर्ड, और ये हो गया इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो, रिजल्ट क्या आएगा ना 0, तो L माइनस में 3M प्लस में 2N इक्वल टू 0, समीकरण क्या हो जाएगा ना 4, और ये आ गया। तो ये ना मतलब ये दोनों ए रेखा और ए रेखा परस्पर लंब है और परस्पर लंब है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ें क्या आएगा रिजल्ट 0, ये दोनों रेखाएं लंब है तो इनके दोनों डायरेक्शन रेशियो को गुणा करके जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो कई समीकरण मिल गया, दो समीकरण मिल गया, तो इससे हम लोग एल एम एन फाइंड कर लो, तो एल एम फाइंड करने के लिए क्या ना हम लोग को लगाना पड़ेगा क्रॉस और मल्टीप्लीकेशन, कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा क्रॉस मेथड, क्रॉस विधि, क्रॉस विधि क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड में हम लोग जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मेथड ना एल लिखते हैं एल, फिर क्या ना एम और बराबर में क्या ना एन लिखते हैं, तो एल बराबर क्या ना, एल बराबर क्या ना, एल बराबर लिखते हैं दो दो और माइनस में थ्री वन और टू, एम एम क्या लिखते हैं वन टू फिर माइनस थ्री और वन, एन में क्या लिखा जाएगा -3 1 -3 1 टू और माइनस में थ्री टू माइनस थ्री, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से ना रफ करना पड़ेगा इसको, तो ये ना रफ कर लेते हैं। अब ध्यान देंगे,
अब ये एल एल बराबर क्या हो जाए ना, इसको सॉल्व करें, दो दूनी चार, चार और माइनस में क्या ना प्लस में थ्री हो जाएगा, माइनस 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 वन गुना टू माइनस थ्री, तो माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस बराबर में एम, तो वन इंटू वन वन और माइनस, टू इंटू माइनस थ्री तो माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस प्लस सिक्स इक्वल टू एल, तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री क्या आ जाएगा नाइन, और माइनस वन इंटू टू माइनस टू, और एल बराबर सात, एम बराबर भी सात, और एन बराबर एन बटा में भी क्या आ गया सात, तो रेखा ना रेखा एल का डायरेक्शन रेशियो क्या निकल गया ना सात सात और सात निकल गया, तो इस रेखा का ना डायरेक्शन रेशियो हम लोग फाइंड कर लिए सेवन सेवन और सेवन। जब डायरेक्शन रेशियो पता हो और पॉइंट पता हो तब हम लोग को ना रेखा एल का समीकरण, तो रेखा एल का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए बाई माइनस मतलब एल लिख सकते हैं यहाँ पे एल, और बाई माइनस बाई वन बाई ए लिख लो, और बी जेड माइनस जेड वन बाई सी, तो एक्स माइनस एक्स वन क्या है माइनस दो, तो माइनस माइनस प्लस दो ए एक सात, बाई माइनस बाई वन क्या ना पांच, पांच लिखो बी, बी कितना सात, बराबर जेड माइनस जेड वन कितना माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन सी का वैल्यू सात। ये हो गया रेखा का समीकरण, किसका, इस रेखा का समीकरण। दोनों एक क्वेश्चन नंबर 11 क्या ना लॉन्ग क्वेश्चन था, अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 12 ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्रम न्यूनतमीकरण कीजिए, ना जेड बराबर दिया माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई का, और एक इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन का ना न्यूनतमीकरण कीजिए, तो इसका ना हम लोग लिख दीजिए संगत समीकरण, संगत समीकरण क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू आठ, और इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू बारह। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा टेबल, तो टेबल ड्रा कर लेंगे, इसका भी टेबल ड्रा कर लीजिए, और ये एक्स और वाई, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा ना फोर, अब वाई बराबर जीरो रख दो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा ना फोर, इसका टेबल बना लो एक्स और वाई, एक बार एक्स जीरो रखेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा सिक्स, अब वाई बराबर जीरो रख देंगे तो जीरो हो गया, चार तिवारा चार आ जाएगा, तो ना टेबल बन गया। अब टेबल बनने के बाद ना हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस और ये ना बाई एक्सिस हो गया एक्स डैश, और ये क्या ना बाई डैश, ये एक दो तीन चार पांच और छ, एक दो तीन चार पांच और छ, ये लिखते ये माइनस वन माइनस वन, और एक्स जीरो बाई फोर, तो एक्स जीरो बाई फोर वन टू थ्री और फोर यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख दीजिए जीरो और फोर, जीरो फोर हो गया, अब फोर जीरो तो वन टू थ्री और फोर ये लिख दीजिए फोर और जीरो, और ये दोनों पार्ट इक्वल है ना, तो इक्वल है दोनों को गाढ़ा पार्ट से मिला देना, गाढ़े लाइन से ना आगे तक खींच दीजिए, और ये ना ग्राफ ड्रा करिए, किसका ग्राफ ड्रा करिए एक्स प्लस में टू बाई इक्वल टू ना एट का ना ग्राफ ड्रा करिए। अब इसका ग्राफ करेंगे एक्स जीरो तो बाई सिक्स, तो फोर फाइव सिक्स यहाँ पे, तो इसको ना वहां लिख दीजिए जीरो और सिक्स, फिर फोर जीरो तो फोर जीरो यहाँ पे ना, तो ये ना सॉरी फोर जीरो यहीं पे मिलेगा, तो ये ना दोनों पॉइंट को ना क्या ना इक्वल है तो गाढ़े पॉइंट से मिला दीजिए, और ये ना मिला दिए आगे तक खींच दे, तो इसका ना समीकरण लिख दीजिए क्या हो जाएगा ना थ्री एक्स प्लस में टू वाई और इक्वल टू ना बारह, ये दोनों का ग्राफ ड्रा करिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब केवल क्या ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कलर करना है, केवल किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर करना है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए केवल है। अब आ जाओ ना एक ग्राफ ड्रा कर ले, अब कलर करना है, कलर क्या ना आर से छोटा होना चाहिए, एक्स बाय दोनों पॉजिटिव है तो आर से ना वेल्यू छोटा होना चाहिए, ये समीकरण एक ग्राफ है तो आर से छोटा बताओ इधर होगा या उधर, तो इधर होगा तो इस लाइन का कलर ना इधर होगा, और इस ग्राफ का कलर किधर होगा, तो ए भी क्या है ना 12 से करना छोटा होना चाहिए, किसका एक्स वाई का वैल्यू, ये ग्राफ है तो 12 से छोटा किधर मिलेगा इधर कि इधर, इधर मिलेगा, इसका कलर इधर होगा। तो अब बताओ दोनों इस ग्राफ का और इस ग्राफ का कलर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा नहीं,
यहाँ तो केवल इसका मिल रहा है, इसका नहीं, इसका इसका और इसका कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इसका कलर ए होगा, केवल ये होगा। और ये कलर कर दे, तो इसको अच्छे से कलर करेंगे और ये ना इस प्रकार से कलर कर दे। अब कलर करने के बाद हम लोग सभी जानते हैं क्या ना, कलर पे जो पॉइंट आता है ना, ये तो ओरिजिन है ना, 0 0 कलर पे जो पॉइंट आता है ना उसका नाम देते हैं ना, ए और बी और सी। और कोई कलर पे पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, और ये हो गया। अब ए लिख देते हैं ना, न्यूनतमीकरण लिख देते हैं, न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण जेड बराबर क्या देगा, -3x+3y। अब पॉइंट लिख दीजिए ना, बिंदु, बिंदु बिंदु क्या लिखते हैं ना, ओ ए, ए क्या ना 0 0 पर, जेड बराबर 0 0 पर जेड बराबर रख दो ना, -3 × 0 + 3 × 0, तो क्या ना 0 0 0 रिजल्ट आ जाएगा। अब बिंदु क्या ना, अब बिंदु रख लेंगे बी, बी बी क्या ना 4 0 है, बिंदु 4 0 पर जेड बराबर रख दीजिए -3 × 4, एक्स के जगह पे 4 और वाई के जगह पे ना 0 रखना पड़ेगा, तो 4 3 12 क्या आ जाएगा ना, -12, तो 0 हो जाएगा। अब बिंदु, बिंदु क्या ना सी, सी रख दीजिए, सी क्या ना 0 4 है, 0 4 पर जेड बराबर तो -3, तो एकदम 0 हो जाएगा। अब प्लस में 3 है, वाई का वैल्यू क्या ना 4, ये क्या ना 0 हो जाएगा, 4 3 ये क्या ना 12 आ गया। तो अब देखो ना, ये 3 पॉइंट ग्राफ था, सबसे छोटा वैल्यू किसका ना, बिंदु बी का, ये क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान, मिनिमम यही क्या कहला जाएगा, न्यूनतम मान। तो इसका ना न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, -12, और न्यूनतम बिंदु क्या हो जाएगा ना, बी 4 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो थैंक यू अजडेन, सुविधा, फिर मिलते हम लोग अगले क्लास में।